बंधुओं नमस्कार, बंधुओं प्रकाश मार्बल एंड ग्रेनाइट में आपका स्वागत है। आज अपन जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो ये करेंगे कि ये माल, अपना माल, ये इटालियन माल से क्या तुलनात्मक अध्ययन है इसका, कैसे है। बंधुओं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस वाले माल में हमारे जो इटालियन माल में 80% क्रैक आती है, मैं इसका बिल्कुल अगर रिवर्स करूँ तो ये है कि ये 80-90% फ्रेश आता है ये वाला माल, और केवल 10-20% क्रैक आता है। और इस वाले माल में अगर हमारे किसी ब्लॉक में ज़्यादा क्रैक आते हैं तो हम लोग उस माल को नष्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? कि हमारे पास में इसकी माइंस नज़दीक है, हमारे कोई ज़्यादा टैक्स और रॉयल्टी का खर्चा नहीं आता है, और उस माल को हम नष्ट कर करके और केवल जो कस्टमर को माल देते हैं वो बिल्कुल बढ़िया माल ही देते हैं, ताकि उनको किसी भी लगाने करने में और करने में आगे जाकर के भविष्य में कोई किसी तरह की परेशानी नहीं आती है। जबकि इसका बिल्कुल विपरीत, इटालियन मेटल के अंदर इतना क्रैक आता है, उसको जो भी दुकानदार होते हैं वो उसको केमिकल से चिपका करके और कस्टमर को देते हैं, जो कि साल, दो साल, तीन साल के बाद में उसके अंदर फिलिंग खुल जाती है और उनको परेशानी आती है इतना पैसा पूरा करने के बावजूद भी। तो बंधुओं, एक सबसे बड़ा जो अंतर है कि इस माल के अंदर क्रैक जोन केवल 5-10% है, और जबकि इटालियन वाले माल के अंदर 80-90% की क्रैक जोन आती है। दूसरा प्रश्न, भाई साहब ये वाला माल को अगर अपन अपने घरों में लगाते हैं तो स्थिति यह है कि अपना पैसा अपने पास रहता है, और अगर आप इटालियन का माल लगाते हैं तो अपना पैसा बाहर जाता है, विदेशों के अंदर जाता है। दूसरा प्रश्न, प्रभु की कृपा से ये माल अपन बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट करने से क्या होता है कि अपने को विदेशी मुद्रा अपने को प्राप्त होती है, अपने देश को प्राप्त होती है, और इटालियन वाले माल के अंदर अपने देश का पैसा विदेशों के अंदर जाता है। कितना बड़ा डिफरेंस है। दूसरा बिंदु, जब मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा माल वुड स्टोन की तरह नजर आता है, बहुत सी जगह, बहुत से रिसोर्ट्स में, होटलों में आप लोगों को एक अच्छा लुक देने के लिए आपको वुडन फ्लोरिंग करानी पड़ती है या वुड का काम कराना पड़ता है। तो बंधुओं, जैसा कि मैंने ये देखा था, हमारे कुछ साथियों ने मेरे को बताया कि भाई साहब अपने इस माल को लगाने से कम अपन पर्यावरण का भी अपन इसमें ध्यान दे पा रहे हैं कि अपने को पेड़ों को काट करके और ये माल नहीं लगाना पड़ता है, पेड़ों को नष्ट नहीं करना पड़ता है, और अपने को ये जहाँ पे भी वुड की डिजाइन देनी होती है वो एक ओरिजिनल पत्थर से अपन उसकी डिजाइन देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इसका अपने को डिफरेंस मालूम पड़ता है। बंधुओं, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने दोस्तों को, मित्रों को, सबको शेयर कीजिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे से व्हाट्सएप के माध्यम से आप बात कीजिए, हम आपकी हर प्रकार की संतुष्टि कराने का पूरा प्रयास रखेगा। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपका मकान में जहाँ भी ये चीज़ लगे और वो अच्छी लगे, और हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि हम ये माल आप तक कैसे पहुँचे उसका भी पूरा प्रयास रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। ये तो भी